जय छठी मैया की। आज के इस वीडियो में हम सभी जानेंगे छठ पूजा 2020 की डेट क्या है, यानी कि कौन सी तारीख को है छठ पूजा। साथ ही साथ जानेंगे अर्घ्य देने का सबसे सही मुहूर्त क्या है, समय क्या है, पारण करने का मुहूर्त क्या है और छठ पूजा का महत्व क्या है। क्योंकि हम सभी तो जानते हैं, खास करके यूपी बिहार में किया जाता है तो यहाँ के लोगों को तो पता है, लेकिन बाहर के लोगों को भी पता होना चाहिए कि आखिर ये छठ क्यों करते हैं, और जो हमारे यहाँ भी लोग नहीं पता है उनको भी पता होना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा आप सभी, ताकि वीडियो में जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं ये पूरी तरह से आपको पता चल सके, क्योंकि ये काफ़ी ही अच्छा त्यौहार है एक, जो कि बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आप सभी में से कौन कौन मनाता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और आप सभी जितने हमारे दर्शक हैं, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दिल से कि प्लीज़ छठ मैया की जय जरूर लिखें। छठ माता का जय लिखने में कोई बुराई नहीं है। सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है, वैसे भी सूर्य देव को अर्घ्य देने से क्या होता है, आरोग्य आता है, यानी कि रोगों का नाश हो जाता है। तो इसमें छठ माता की जय कमेंट में ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। हमारी माताएँ बहनें जो हैं वो सभी अपने बच्चे के लिए छठ पूजा करती हैं, ये सोचिए कितनी अच्छी बात है। तो सभी अपने माँ के लिए एक बार नमन जरूर करें, और अपनी माँ के लिए एक जो सबसे अच्छी लाइन मन में आती हो वो जरूर लिखें कि आपकी माँ कैसी हैं। एक लाइन में अगर डिस्क्राइब करने को कहा जाए तो आप कैसे कर सकते हैं अपनी माँ को, जरूर लिखें कमेंट्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सभी के साथ मुझे बहुत खुशी होती है। आइए अब वीडियो का मेन टॉपिक जो है छठ पूजा 2020, इस पर प्रकाश डालते हैं, यानी कि देखते हैं क्या है। आप सभी ये वीडियो देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से। दोस्तों, छठ पूजा 2020 विश्व प्रसिद्ध सूर्य देव की आराधना तथा संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए समर्पित है। छठ पूजा हर वर्ष कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, यानी कि जो छठवीं तिथि होती है उसको मनाई जाती है। इस वर्ष छठ पूजा 20 नवंबर दिन शुक्रवार को है। छठ पूजा का प्रारंभ दो दिन पहले ही चतुर्थी तिथि को नहाए खाए से हो जाता है, फिर पंचमी को लोहंडा और खरना होता है, उसके बाद षष्ठी तिथि को छठ पूजा होती है जिसमें सूर्य देव को शाम का अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद अगले दिन सप्तमी को सूर्योदय के समय में उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और फिर पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है। तिथि के अनुसार छठ पूजा 4 दिनों की होती है। तो आइए जानते हैं कि इस वर्ष पूजा की तिथियां क्या हैं। छठ पूजा 2020 के बारे में पूर्णतः समझते हैं। पहला दिन नहाए खाए होता है। नहाए खाए के बारे में आप सभी जानते होंगे। छठ पूजा का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि से हो जाती है। ये छठ पूजा का पहला दिन होता है। इस दिन नहाए खाए होता है। इस वर्ष नहाए खाए 18 नवंबर दिन बुधवार को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:46 से स्टार्ट होगा और सूर्यास्त जो होगा वो शाम को 5:26 पर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो इसका मेन एक रूल है वो होता है लोहंडा और खरना, ये है दूसरा नियम। तो लोहंडा और खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होता है। इस वर्ष लोहंडा और खरना जो है वो 19 नवंबर दिन गुरुवार को है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:47 पर होगा और सूर्यास्त शाम को 5:26 पर होने वाला है। और तीसरा दिन जो होता है आखिरी, वो है छठ पूजा का संध्या अर्घ्य। छठ पूजा का मुख्य दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि होती है। इस दिन ही छठ पूजा होती है। इस दिन शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस वर्ष छठ पूजा 20 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय जो होगा वो 6:48 पर होगा और सूर्यास्त 5:26 पर होने वाला है। छठ पूजा के दिन षष्ठी तिथि का प्रारंभ 19 नवंबर को रात 9:59 से हो रहा है, जो कि 20 नवंबर को रात के 9:29 तक रहने वाला है। इस मध्य में पूजा होगी। जी हाँ, अब चौथा जो दिन आता है वो होता है सूर्योदय अर्घ्य देने का, यानी कि पारण करने का दिन। छठ पूजा का अंतिम दिन है ये। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि होती है इस दिन। इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है, उसके बाद पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है। इस वर्ष छठ पूजा का सूर्योदय अर्घ्य तथा पारण 21 नवंबर को होने वाला है। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:49 पर होगा और सूर्यास्त जो होगा वो शाम को 5:25 पर हो जाएगा। तो ये स्थिति रहने वाली है। तारीख डेट के बारे में आप सभी जान चुके हैं।
अब छठ पूजा के अगर नियमों को जानना है कि खरना क्या है, जैसे बहुत लोगों को नहीं पता होगा, और अर्घ्य देने का महत्व क्या है, ये सारी चीजें, या कैसे दिया जाता है, क्या क्या छठ पूजा में फल की सामग्री होती है, पूजा की सामग्री क्या क्या होती है, क्यों किया जाता है, ये सभी जानना चाहते हैं तो ये सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा, वो हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो आप सभी अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर सवाल कीजिए, क्योंकि मुझे और अच्छा लगेगा आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट करके आप अपने सवाल जरूर पूछिए, जो भी छठ पूजा से रिलेटेड आपके मन में सवाल आते हो हम अगले वीडियो जो है उसी टॉपिक पर आपके लिए जरूर बनाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, विदा लेते हैं इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, और प्रेम से जाते जाते कमेंट में जरूर लिखें जय छठ मैया की।